बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज खूबसूरत से व्लॉग का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले जी हमारी तरफ से हमारे जितने भी देखने वाले और या नहीं भी देखने वाले सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। तो आज फाइनली ईद का दिन जो है वो आ गया और माह रमज़ान का बरकतों वाला महीना जो है वो गुजर गया, बस पता ही नहीं चला कि आया और चला गया। तो आज हम लोग जो है ना सुबह सुबह ही बच्चे फ़िलहाल सो रहे हैं और हमारी जैसे माओ की रूटीन होती है सुबह ही खाने पानी जो है ना वो बनाने की, खाने बनाने की। तो आज हम लोग खाने में बना रहे हैं, एक तो हम बनाएंगे जर्दा। तो ये तारिक साहब लेकर आए थे पक्की बासमती चावल। तो पहले एक दफ़ा मैंने बनाया था तो वो कच्चे चावलों का बनाया था, लेकिन अभी हम लोग लेकर आए हैं पक्के, क्योंकि पक्के जो चावल होते हैं ना उनका ज़्यादा अच्छा बनता है। यानी कि ये ना जो चावल होते हैं ना इनका कलर ऐसे ब्राउन होता है और जो हम पुलाव बनाते हैं उनका कलर जो है वो ऐसे सफ़ेद रंग का होता है। और दूसरे नंबर पर हम बना रहे हैं शीर खोरमा, उसके लिए मैंने दूध जो है वो देगची में डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया है, वो बनाएंगे और साथ में ये बनाएंगे। और माशाल्लाह आज सुबह सुबह बहुत ही सुकून जो है ना वो लग रहा है और सूरज फिलहाल निकल रहा है। जब तक हमारा शीर खोरमा तैयार होते हैं मैंने यहाँ पे चावल भिगो के रख दिए हैं। तो अल्लाह पाक जी ये ईद को तीनों दिन नहीं बल्कि हमेशा सबको जो है ना खुश बाश और हंसता बसता रहते अपनी फैमिलियों के साथ। दूध हमारा जो है वो उबलना शुरू हो चुका है, एक लीटर हमने दूध लिया और इसमें हम ये डालेंगे। इसमें सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले तो हमें मिल नहीं रहा था, रात को फिर तारीख साहब को हम मिल गया, बच्चे काफ़ी ज़्यादा शौक से खाते हैं। रोक लो डाई रखमाई रहीम, तो यहाँ पे जी अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये दूध जो है ना बिल्कुल ऐसे वो नहीं हो जाता, खुश्क नहीं हो जाता। आग की आंच है वो काफ़ी तेज़ हमने रखी है ताकि जो है ना हमारी जल्दी जल्दी से बन जाए, क्योंकि ईद जो है वो तारिक साहब जो है ना हमेशा जल्दी जाके पढ़ते हैं, यानी कि 7 बजे या 6:30 बजे इतनी। तो असल जी होती है बच्चों की ईद, वो फिलहाल सो रहे हैं तो मैं यहाँ पे मैंने कहा मीठा तैयार करके तारिक साहब को खिला के भेज देते हैं और फिर उनको उठाएंगे, क्योंकि ईद जो होती है ना वो बचपन की होती है। क्या ही बात है, जब 10 रुपये मिलते तो बड़ा खुश होते थे, मुझे 10 रुपये ही ईद ही मिली। बाकी जो यहाँ पर गाँव वाले हैं ना उनकी ईद अगर मैं दिखाती तो सुबह टाइम ही, जैसे मैं दोस्त लकड़ियाँ लेने गई हूँ ना तो भाई बैलगाड़ियों की ऐसे कतारें बांधी हुई थी और लोग जा रहे थे चारे की कटाई के लिए। आज पहले दो टाइम चारा काटते हैं, आज ये करेंगे, ईद का दिन है सुबह टाइम ही चारा काट के रख लेंगे और वो सेकंड टाइम ही जानवरों को डाल देंगे। फर्स्ट टाइम फिर ईद पड़ेंगे और फिर सेकंड टाइम जो है अपने जितने भी होते हैं रिश्तेदार वगैरह वहाँ पर मिलने छिलने के लिए जाएंगे। बस एक दिन वो भी छुट्टी नहीं होगी, सुबह के टाइम फिर भी चारे की कटाई होती है। तो रात के बचे हुए कुछ चावल पड़े हुए थे तो मैंने मुर्गियों को डाल दिए, वो खा रही हैं आराम से, उनका इनकी भी ईद करवा दें। बस कवों की करवानी है क्योंकि ज़रदा बनेगा तो कौमों की ईद होगी। तो सुबह इतने ज़्यादा कवे आए हुए थे फिलहाल गायब हो गए कहीं चले गए, उन्हें है कि अभी ज़रदे भी लेट है, जैसे ही ज़रदा तैयार हो गया तो फिर हम आएंगे। जैक इनको अंदर नहीं आने देना, जैक काम करते, मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैक अभी इसको पता चल गया मेरा नाम जैक है ना। तो यहाँ पे जी अभी हमारा शीर खुरमा जो है वो ना तैयार हो गया था और मैं इसको लेकर आ गई हूँ यहाँ पे ठंडा करने के लिए ना। ये पानी जो है ये एक रात का खड़ा हुआ तो काफ़ी ठंडा था, तो मैंने कहा चले यहाँ पे जो है ना इसको भी ठंडा कर लेते हैं। अब ये ठंडा हो चुका है और अब इसको लेकर चलते हैं और फिर डालते हैं किसी चीज़ में, क्योंकि ऐसे कोई भी चीज़ जो है वो गर्म गर्म अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो वो फिर
ठीक नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा थोड़ा पहले ठंडा कर लेते हैं उसके बाद हम फ्रिज में रखेंगे। अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है तो यहाँ पे जी अब मैं इसको ना ऐसे इसमें निकाल के रख दूँगी। और माशाल्लाह ये ऐसा ना बिल्कुल खोया होता है, थोड़ा थोड़ा सा खाया जाता है। ये जो है ना इसको बाकी उंगलियों के साथ जैसे खवातीन करती हैं वो मैं ऐसे कर लूँगी जो बचेगा, असल टेस्ट उसी में होता है ना। चलिए जी तो अभी इसको रखते हैं फ्रिज में और तारिक साहब जो है ना वो करते हैं ईद की तैयारी और तब तक मैं जो है ज़रदा बना दूँगी। फजर माई ईद तो ख़त्म हो गई तो हूँ उठी जी। तारिक साहब ने फजर को बोला कि ईद ख़त्म हो गई है जल्दी आओ, तो वो फिर भाग के उठी है कि ईद ख़त्म ही ना हो गई हो। और यहाँ पे जब हमारा तैयार हो रहा है ज़रदा, इसमें मैंने चावल डाल दिए और कलर जो है ना वो भी डाल दिए जर्दे वाला। ये हमारा जो इधर होता है ना गाँव में वो देसी ज़रदा होता है, बस एक ही कलर वाला, एक ही कलर वाला, जो दूसरा होता है वो मुतंजन होता है। और यहाँ पर मैंने गरी किशमिश और साथ में बादाम वगैरह जो है ना वो भी बना के रख लिए। असल में हम लोग जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो ज़्यादा नहीं डालते क्योंकि तारिक साहब नहीं खाते हैं, तो बादाम भी मैंने डाले हैं तो उन्होंने बस इधर साइड साइड पे करके ना तो चावल खाने हैं। बच्चे ये है कि बादाम खा लेते हैं, मैं तो हर चीज़ खा लेती जो भी यानी कि फ्रूट वगैरह हो। ठीक है भाई, बाबा कह रहे हैं कि ईद ख़त्म हो रही है, उठ जाओ। आपने क्या बोला उसे? उसे बताओ ना ईद खत्म हो रही है, क्या कर रहे हो? माशाल्लाह से जी यहाँ पे हमारा लड़का जो है वो बस तैयार हो चुका है, बस अब मैं इसको लगाऊंगी दम। मुंह हाथ धो लो, मुंह हाथ धो लो पहले, उसके बाद फिर मैं आप खा लो वो चावल और साथ में शीर खुरमा, फिर मैं आपको नहलाऊंगी। तो यहाँ पे जी तारिक साहब जो है ना वो माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए और उनको मैंने मीठा दे दिया जिसमें है जी जर्दा और साथ में शीर खुरमा। ये बंदा भी आया खड़ा, तो मैंने इसको कहा पहले मुंह धो, आंखें चेक करो, आंखें ईद नहीं पढ़नी, उधर तंग ना करे आपको, पिछली दफ़ा भी आप लेकर गए तो फिर बाहर बिठाना पड़ा था बच्चे ना, जाना है वैसे मेरे ख्याल में जाना चाहिए ना। चल तैयारी करवाऊँ, लेकिन ये लेट उठा, अभी इसकी तैयारी होगी तो लेट हो जाएगी नमाज पढ़ने में, तो इसलिए तारिक साहब जो है वो जा रहे। माशाल्लाह जी मोहम्मद सुबान जो है ना उसकी तैयारी हो चुकी है और इसने कपड़े पहन लिए, अभी हमने इसके ना चेंज करवाए हैं, दो नंबर ज्यादा लिए लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से पूरा है ना तारिक साहब, बाजू ठीक है बाकी ये इतना ही होता है तकरीबन कुर्ते जो होते हैं। और फजर बेटी ने भी अपना फ्रॉक जो है वो पहन लिया और बस बालों का घोंसला बनाया हुआ, मैं इसकी तैयारी जो करवाती हूँ तो फिर जो है ना फाइनल लुक इनके दिखाएंगे कि बच्चे जो है वो कैसे लगे। मर्द हजरात की तो इतनी ज्यादा तैयारी होती है, ये इधर लगाते हैं आंखों पे मस्कारा, आपने नहीं लगाना, आप नहीं लगाना, आप ही नहीं लगाना, लड़के नहीं लगाते हैं बेटे। चलो जी मोहम्मद सुबान की ख्वाहिश है कि आप मुझे भी लगा दें, मैं असल में ना मट्ठा बोलना शुरू होगी क्योंकि आज मैंने चाय जल्दी नहीं बनाई और मैं सुबह सुबह अगर चाय पी लूँ तो फिर दिमाग फ्रेश हो जाता है। अभी फजर के बालों में कंघी करते हैं, फजर ने अपनी सारी चीजें जल्दी से निकाल ली है। सबसे पहले हम फजर को पहनाएंगे चूड़िया, बेटी हाथ सीधा रख, कुछ भी नहीं होगा ना, ये थोड़ी सी ऐसे हाँ फिर वो सही आते हैं। तो ये है जी हमारा क्या मेकअप वाला बॉक्स, ब्यूटी बॉक्स जिसे बोलते हैं वाला, छाबी में हमने सारी चीजें रखी हुई हैं अपनी, इधर ये इसी में डाल दें। मोहम्मद जुबान बड़ा काला हुआ बैठा है, मुझे ना लिपस्टिक लगाओ आप कपड़े में, ओए नहीं 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 ये नहीं करो ऐसे,
इसी इसी में डालो। चलिए जी, तो अभी फजल बेटी जो है वो तैयार हो चुकी है और अब एंड पे लिपस्टिक लगा रहे हैं। एंड पे हमारे पास वैसे मेकअप था ही नहीं कि हम लोग एंड पे लिपस्टिक लगा रहे हैं, बस ये लिपस्टिक ही हमारे पास और ये इसमें वो जो होते हैं। हाँ जी, थोड़ी सी मिर्ची लगा दे, ये वापस आ गया, मुझे भी थोड़ी सी लगा दो, इधर कर। चलिए जी, इसकी भी ख्वाहिश पूरी कर देते, कहते हैं थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दो। पहले कहते थे फजल का फ्रॉक पहनना मैंने, ठीक है लग गई है, पिंक कोट हो गए। अभी फजल को भी लगा देते हैं, नहीं ये नहीं लगाना, ये काला होता है और सारा ये लग जाता है। 9 बजे सारा मेकअप करवाता है बंदा जी, थोड़ी लिपस्टिक ला लेना उन्होंने। वे बंदा कहता है मस्कारा भी लगा दो। कहाँ पे लगाओ, कहाँ पे लगाते हैं इसको, लगाते कहाँ पे, इधर। चलो पहले आप ही को लगा दें तो फिर आपको लगाऊंगा। सुबान के काम चेक कर ली सारी चीजें, लड़की वाली लगा रहा है, लिपस्टिक लगा रहा है, अभी साथ में ये जो फजर का वो भी इसने पहन लिया। अभी हमें कहा जा रहा है कि हम लोग काले हैं, चलो फिर क्या, हम लोग काले होते हैं ना बेटी, फजर हमने दोनों काली है ना, अभी मोहम्मद सुबान और तारिक साहब का कलर भाई थोड़ा सा चिट्टा है, कोई गल नहीं, साड़ी अद्धी गुजर गई, अद्धी रह गई काले आदि। तो अभी जी बच्चों की तैयारी जो है वो हो चुकी है, पहले बना के पीऊंगी चाय और बाकी के काम बाद में करूंगी, है ना। क्योंकि बाकी के काम होने ही नहीं अगर चाय ना पी तो। तो अभी जी दिन के तकरीबन बज चुके हैं 11 और गर्मी जो है ना उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मैंने गर्मी से पहले ही खाना जो है वो तैयार कर लिया है, क्योंकि चिकन जो है वो तारिक साहब रात को ही लेकर आए थे, और इधर एक बंदा जो है ना वो गुस्सा होकर बैठा है, वो कहता है कि या तो मुझे ना आप लोग मामू के पास लेकर जाएँ या पार्क में घुमाने के लिए ले जाएँ। और मोहम्मद सुबान जो है वो सो गया और खाना जो है वो मैंने तैयार कर लिया है गर्मी से पहले ही, हम तारिक साहब ने रात को ही चिकन ले आए थे, साथ में बनाई है मैं गर्म गर्म रोटियाँ और ये चिकन का सालन। अभी तारिक साहब जो है वो खा रहे हैं और फजर गुस्से हो चुकी है, इसको मनाते हैं। इधर देखो बेटी, ये देखें जी हाँ जी, किस पार्क में लेकर जाएं, चले खैर ले जाते हैं। देखिए फजर बेटी ने कितना प्यारा ब्रेसलेट पहना हुआ है, दिखाना इधर, अंगूठियां भी हैं इसमें, कितना प्यारा है माशाल्लाह। तो अभी खाना खा लो और गुस्सा। हाँ जी, मैं भी ईद मना लेती, क्योंकि खवातीन जो होते हैं ना उनका होता है बस काम काम, और गर्मी इतना ज्यादा थी इसलिए फिर मैंने कपड़े जो है नए पहने ही नहीं, मैंने कहा पहले काम करेंगे और उसके बाद फिर सेकंड टाइम ना अपनी हम लोग जो है ना ईद मनाएंगे। एक तो मौसम भी खुशगवार होगा और दूसरे नंबर पर जो है काम भी नहीं होगा, खाना छाना तो हमने बना लिया है ना, सारा काम हो चुका है अभी। चलो बेटी आप भी खा लो, अब नाराज नहीं हो, गुस्सा थूक दो, गुस्सा होगी। तो जूते वगैरह जो है ना वो मैंने सेट करके रखे हैं, क्योंकि मेहमान भी और हमारे अपने भी जो है वो पड़े होते हैं। तो चले जी, अभी सेकंड टाइम हमारी ईद जो है वो हो चुकी है और अब हमने भी अपने कपड़े जो है वो नए पहन लिए, मैंने कहा पता चलना चाहिए भी ईद है। और फजर बेटी जो है वो एक दफ़ा वो हो गई थी, यानी कि कपड़े वगैरह उतार के फेंके और अभी फिर से पहन ली, इसको तैयार होने का बहुत ज़्यादा शौक है। अभी फिर इसने लिपस्टिक लगाई है और साथ में इसकी आई हुई है जी कज़न सीरत ज़ारा, जिसको आप अक्सर देखते भी रहते हैं शुएब भाई के व्लॉग्स में। तो अभी हम लोग जी हो चुके हैं तैयार और मैंने भी सब्ज रंग का सूट जो है वो पहन लिया है, उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। बाकी अभी हम लोग जो है जा रहे हैं जी अम्मी जान और अब्बू जान को स्पेशली मुबारकबाद देने के लिए ईद की, तारिक साहब के वालिद और वालदा साहिबा को। तो अम्मी जान जो है वो फ़िलहाल इधर ही हैं, वो तो नहीं जा रहे हमारे साथ, लेकिन हम लोग जो है जा रहे हैं। चलें अब, तो अभी हमारी तैयारी हो चुकी है, तो सालन मैंने खुद भी बनाया था दिन में और अम्मी जान हमारे लिए स्पेशली वहाँ से कट्टे के गोश्त का सालन बना हुआ लेकर आई थी। तो तकरीबन जो है 2 बजे हमारे पास पहुँचे थे, उस टाइम हम लोग खा पी के वैसे ना सो गए थे, क्योंकि सर्दी गर्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, आजकल समझ नहीं आती गर्मी में गर्मी को सर्दी कह रहे हैं और सर्दी को गर्मी कह रहे हैं, समझ नहीं आती। बाकी जी तो हमारा सालन जो है वो पड़ा हुआ है, तो इंशाल्लाह वापसी पे आके मैं जल्दी से रोटियां बना लूँगी और भी जो चीज़ बनानी हो,
क्योंकि दिन का सुबह का मीठा भी जो है वो भी हमारा ऐसे ही पड़ा है। तो अभी माशाल्लाह से फ्रिज है, अब टेंशन कोई नहीं है, तो जो चीज़ बंदे की बचती है ना वो उसमें रख देते हैं। तो फिलहाल हम सभी जा रहे हैं, सीरत ज़ारा भी हमारे साथ जा रही है। हमने कहा चलो इसको भी घुमा फिरा लाते हैं बाहर जाके ना। चलिए जी, तो अभी ईद के दिन जो है ना यहाँ पे जानवरों को भी दिखा देते हैं कि इनकी ईद कैसी हो रही है। तो इनकी ईद भी माशाल्लाह अच्छी हो रही है कि इनको हरा हरा घास जो है वो डाल दिया गया। फिलहाल ये खा रही हैं और सूरज की तपिश अभी तक कायम और दायम है। अभी हम लोग ना जा रहे हैं, तारिक साहब मोटरसाइकिल लेकर आएंगे वहाँ तक, और फिर क्योंकि हमने बस जाना है और फिर फ़ौरन वापस भी आना है। मैं शाम को आके बाकी खाने छाने का भी इंतज़ाम करूँगी। अभी सूजी का मसला बन गया, इसको भी घर में रखना होगा। अम्मी जान कहती है इनको घर में ना आने दें क्योंकि उनको ये पसंद नहीं है। वो कहती है इनको बाहर निकालें, घर से बाहर निकालें। मैंने कहा चले निकाल देते हैं भाई। और यहाँ पे माशाल्लाह जी बरसीन जो है ना ये भी अभी फूल ले रहा है। ये देखें ये इसके फूल हैं। तो ये है कि अगर इसका बीज बनाना हो तो फिर इसको ऐसे छोड़ दे, लेकिन हमने बीज नहीं बनाना, हमारे पास चारा नहीं है, इधर वाला भी नहीं है। तो बस यही है जो हम काट के जानवरों को डाल रहे हैं, इसलिए फिर हम बीज नहीं बनाएंगे। हम बीज जब वो ख़रीद लेंगे अगले साल के लिए। आ जाओ, वो कहाँ गई है फजर? आ जाओ चलो जी। अभी तारिक साहब आ चुके हैं, ये सूजी भी जा रहा है हमारे साथ। इसका क्या करें, चल। तो यहाँ पर सारे हम लोग जो है ना मोटरसाइकिल पे लदी चुके हैं, लेकिन सूजी जो है ना वो तंग कर रहा है, वो आगे खड़ा हुआ है। तो अगर हम लोग जाएंगे तो बस ये हमारे साथ जाएगा, लेकिन ये है कि इसने फिर रास्ता भूल जाना, फिर ये गुम हो जाएगा। हाँ जी, इतना सफर ये जा भी नहीं सकता ना, सफर काफी ज्यादा है। एक दफा पहले भी ऐसे तारिक साहब के पीछे चला गया था, फिर जो है गुम हो गया था। चलो सूजी चलो घर। यहाँ पे जो है ना मेरे ख्याल में कवों की ईद हो रही है ना तारिक साहब, इतने ज्यादा कवे इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी, ईद वाले दिन जाती नहीं है, लड़ाई हो रही है, चेक करें भाई। ओए वो उस एक कवे को उन्होंने मार दिया। तो यहाँ पे जी अभी रास्ता जो है वो काफी ज्यादा खराब था, मैं तो उतर गई हूँ। अभी तारिक साहब ने बोला है कि मैं बच्चों को लेकर ना आ रहा हूँ, आ जाए। सड़क पे जी अभी आज ईद का दिन है और कश्तियों पे जो काफ़ी ज़्यादा रश है, लेकिन मुश्किल काफ़ी हो रही है। लोग जो है वो दो कश्तियों में सवार होते हैं, एक इसमें होकर वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे रेत है, और फिर वहाँ से अगली दूसरी कश्ती में सवार होते हैं, क्योंकि इधर भी पानी है और दूसरी साइड पे भी पानी, और बीच में ऐसे ना रेत निकल आएगी। तो इस तरह काफ़ी मसला बनता है, एक कश्ती इसमें सवार होती है और फिर उधर जाती है वहाँ पर, और फिर वहाँ से आगे शिफ्टिंग हो रही है।